तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री इज अ बल्क फेनोमेना एंड एड्सॉर्प्शन, जो एक एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फेनोमेना होता है और एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, और चूंकि वो सरफेस फेनोमेना था इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने समझाए थे, जैसे एब्जॉर्बेट किसे कहते हैं, एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, और तमाम तरह की चीजें। और फिर मैंने डिफरेंशिएट भी किया था, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। आज आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब देखिए मैकेनिज्म मतलब हम क्या क्या उससे मतलब निकाल रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये समझ लेंगे देन अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख के समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे रट लूंगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा एक पैराग्राफ में अभी आपको लिखवाऊंगा, समझा हुआ रहेगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा देख सोच के देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो तभी संभव है जब उसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाए आपका, नेगेटिव हो जाए। अब जब हम एड्सॉर्प्शन एज अ फेनोमेना को देखते हैं तो ये एक सरफेस फेनोमेना है जहां पर ड्यू टू नेचर ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड आई एम टॉकिंग अबाउट उसको देखते हैं। ये सपोज करिए आपका सरफेस है, यहां पर जो बॉन्ड है ये सरफेस के कुछ एटम्स को मैं बना रहा हूं, दिस द एटम ऑफ द सरफेस, ये एटम ऑफ द सरफेस है। इस तरह से आपने एटॉमिक लेवल पे जाके हम चेक कर रहे हैं सरफेस को, और उसी टाइम पर आप ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या एड्सॉर्ब हो रहा है। जो एड्सॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। तो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के बीच में एक इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा तो इसके भी मैं दो लेयर बना लेता हूं ताकि हम लोग इस बात को समझ पाए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। जब कभी भी एड्सॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करेंगे ऑन दी सरफेस, तो किसी एक को अगर मैं मान लीजिए मार्क करता हूं, सपोज करिए इसको ही मैं अपना कंसिडरेशन में ला रहा हूं, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो ये जो है यानी एड्सॉर्बेंट जो है इस एड्सॉर्बेट को अपनी ओर खींचेगा, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, वेन एज ये इसे, ये वाला जो एड्सॉर्बेट का एक मॉलिक्यूल है ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो जिस चीज से मिलकर बना हुआ है वो आपस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस से वो उसको अपनी ओर खींच रहा होगा। पर जब ये सरफेस पर आएगा तो ये सरफेस उसको अपनी ओर खींचेगा। अगर इसको आप समझना चाहते हैं ऐसे तो ये समझिए कि एड्सॉर्बेट जो है ये अगर पानी है तो ये क्या होगा, ये सरफेस ऑफ स्पंज, स्पंज उसको अपनी ओर खींचेगा तब ना वो उसके अंदर सक हो जाता है, जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था। अगर स्पंज के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स में इस तरह का एक अनइवन फोर्स आपको दिखाई देगा, अनइवन फोर्स का क्या मतलब होता है, ये जो मेरा मॉलिक्यूल या एटम अंडर कंसिडरेशन है इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ के फोर्स, वेयर एज अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। डिफरेंट होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर आपका एड्सॉर्बेट का एटम या मॉलिक्यूल जो भी है वो अनइवन फोर्स उसके ऊपर रह जाता है। अनइवन फोर्स होने की वजह से इसकी टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड एड्सॉर्बेंट वो बढ़ जाती है, बिकॉज अनइवन फोर्स की वजह से वो उस तरफ जाना चाहेगा जिधर उसको ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो एड्सॉर्बेंट उसी को बोलते हैं जो एड्सॉर्बेट को अपनी ओर क्या करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा। अब जब कभी भी इसे अट्रैक्ट करेगा तो हमें बेसिकली दो चीजें देखनी है, एक है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज व्हाट, क्लास 11th में आपने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। अब ये अगर इसमें जाके फंस जाएगा तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि घट जाएगी, एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। अगर ये इसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर फंसा लेगा तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि घट जाएगी, ऑब्वियसली इसकी एंट्रोपी घटेगी, और अगर किसी की एंट्रोपी घटती है तो उसका डेल्टा एस क्या हो जाता है, नेगेटिव।
डेल्टा एस नेगेटिव यानी रैंडमनेस इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। रैंडमनेस बढ़ता है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, रैंडमनेस घटता है मतलब डेल्टा एस नेगेटिव। अब जब कभी भी ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉलिड लिक्विड्स को या सॉलिड सॉलिड को या सॉलिड गैसेस को जब कोई भी चीज किसी को एब्जॉर्ब करती है इट इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इज गेटिंग इवॉल्व, क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक नहीं हुआ तो ये स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएगा, अगर ये स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएगा तो रिएक्शन फिर होगा क्यों, मतलब ये फेनोमेना होगा क्यों। तो जब कभी भी कोई भी एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेंट में जाके वो होता है एडसॉर्ब होता है तो उस केस में डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल्टा एच होता है उसके लिए भी नेगेटिव, डेल्टा एच उसके लिए क्या होता है, नेगेटिव। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमारा है नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट इज नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलके इसको क्या बना लेगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। मैं चाहता हूं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो, ऐसा तभी संभव है जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर ये नेगेटिव नहीं हुआ तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा। उसी जगह पर जहां पर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से क्या है, बड़ा है, उसी केस में एड्सॉर्प्शन फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा, और एल्स इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ एड्सॉर्प्शन के जगह पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और वो फिर स्पॉन्टेनिटी अगर उसमें आ भी रही है तो फिर रैंडमनेस फैक्टर क्या हो जाता है वहां पे, पॉजिटिव हो जाता है। और रैंडमनेस फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव मतलब 100% नेगेटिव। तो एब्जॉर्ब होने के लिए आपको इतना मैकेनिज्म देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एब्जॉर्बेशन के टाइम पे क्या होता है, किसी भी चीज से किसी भी चीज को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन भी संभव नहीं होता, ना एब्जॉर्प्शन संभव है ना एब्जॉर्प्शन संभव है। कौन सा ऐसा एक एग्जांपल बोलिए जो सरफेस पे ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है। कभी लोटस के पत्ते पर आपने पानी को गिरते देखा है, वो उसके ऊपर स्लाइड करेगा, हैव यू सीन, आप उसके ऊपर डालिएगा वो उसमें चपकेगा नहीं, वो एड मतलब उसके ऊपर एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं दिखा पा रहा है। एडहेसिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखा पा रहा है, बिकॉज यहां पर जो फोर्सेस हैं वो अनइवन नहीं होंगे या ऐसे होंगे जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, जिसकी वजह से वहां पे एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन फेनोमेना आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बस एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि लोटस के पत्ते पर जब पानी गिरता है तो वहां पे वो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना देखने को आपको नहीं मिलता है। वेरस बाकी सब जगह पे जहां जहां पे ये कंडीशन फुलफिल होगा कि डेल्टा एच टी डेल्टा एच से बड़ा है उस जगह पे आपको एड्सॉर्प्शन फेनोमेना देखने को मिलेगा। ये लॉजिक क्लियर है कि कब एड्सॉर्प्शन होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पैराग्राफ अब लिखते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे और वो देखिएगा कि जो मैंने समझाया है उसके साथ वो लाइन मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। राइट, एड्सॉर्प्शन अराइजेस, एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट, the surface particle of adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। क्या बोल रहे हैं, particle inside the bulk मतलब suppose मैं इसकी बात करूं, इस पर दोनों तरफ से forces क्या हैं, सेम है, तो इसकी बात हम अगर करेंगे तो इसका फोर्सेस सेम है तो इस पे फिर एड्सॉर्प्शन फेनोमेना नहीं देखा जा सकता है। एड्सॉर्प्शन फेनोमेना हमेशा वहां देखा जाएगा जहां पर जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं, तीन फोर्सेस अलग हैं और एक फोर्स अलग है, तो यहां पे एड्सॉर्प्शन फेनोमेना आपको देखने को मिलता है, फुल स्टॉप। इनसाइड द बल्क के बाद फुल स्टॉप। इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, all the forces acting between the particles are mutually balanced। inside the adsorbent
ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड. आप देख सकते हैं सरफेस वाला जो है उसके पार्टिकल्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से एटम से सराउंडेड नहीं है. तीन तरफ एक तरह का और एक तरफ अलग टाइप का मॉलिक्यूल्स है. आर नॉट सराउंडेड बाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड एंड हेंस दे पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स These forces attract the adsorbate, unbalanced or residual attractive force, comma, these forces attract the adsorbate particles on its surface. Done. यहां तक कोई डाउट? ये बैलेंसिंग वाले फोर्सेस का काम हो गया. अच्छा मुझे बताइए अगर ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना ज्यादा होगा या कम होगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. सरफेस एरिया कम होगा एड्सॉर्प्शन कम होगा. एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया. जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके एड्सॉर्प्शन उतने ज्यादा होंगे. तो लिखें द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस with increase of surface area, per unit mass, the extent of adsorption increases with increase of surface area, per unit mass of adsorbent, at a given temperature and pressure. Full stop. Paragraph change. During adsorption, there is always decrease in surface energies. This decrease in surface energy appears as heat. Therefore, adsorption is an exothermic process. बिकॉज सरफेस एनर्जी घट रही है. अगर सरफेस एनर्जी घटेगी मतलब हीट रिलीज हो रहा होगा और अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव. दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव. डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो गया. देन ये आपकी पहली बात समझ में आ गई. सेकेंड बात आगे लिखें एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस As the molecules of gas are held on the surface of the solid adsorbent, hence entropy decreases. तो चूंकि अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स आके इस एड्सॉर्बेंट में क्या हो जा रहे हैं? फंस जा रहे हैं. तो फंस जाएंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी. अगर इसकी एंट्रोपी घट गई तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. देयरफॉर डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव. Full
फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज. फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. इन द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इन द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डन. अब अगर ये नेगेटिव तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगा. क्यों? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बना दिया. एक नेगेटिव में से कोई सी पॉजिटिव चीज को अगर आप घटा रहे हैं, और मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव तभी होगा जब नेगेटिव वाली चीज बड़ी होनी चाहिए. तो नेगेटिव वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तभी आपका फाइनल आंसर क्या होगा? नेगेटिव आएगा. तो लिखें उसके आगे इक्वेशन लिख लिया होगा आपने. लिखें एस डेल्टा एस इज नेगेटिव, एस डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ एस डेल्टा एस इज नेगेटिव. डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. कंडीशन है, एक न्यूमेरिक नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बिकम्स स्पॉन्टेनियस अंडर व्हाट कंडीशन. चार ऑप्शन दिए हुए थे. ये वाला उसका क्या था? आंसर था. बस ये कंडीशन ही याद रखना था, क्या कंडीशन होता है. अब या तो उस टाइम पे आप ये पूरा साइंस को पढ़ते या सिर्फ ये कंडीशन ध्यान रख लेते. कंडीशन ध्यान रखना आसान है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया है कि क्यों ये कंडीशन आएगा. इसलिए आएगा बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव. और चूंकि ये जो कुछ भी होगा सॉलिड लिक्विड गैस, अगर ये इसमें आके फंस रहा है तो इसकी जो रैंडमनेस है वो घट जाएगी. रैंडमनेस घटेगी तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव ये नेगेटिव. अगर दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर इसको पॉजिटिव बना देगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये नेगेटिव क्वांटिटी, और मैं चाहता हूं कि फाइनल मेरा नेगेटिव रहे, तभी संभव है जब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? बड़ी होगी. तो डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. गॉट इट? फुल स्टॉप. अब ये जो यहां तक एक बात समझ में आ गई. अब ये जो एड्सॉर्बेंट है, क्या इसमें कितना भी एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्ब कराया जा सकता है या उसका कुछ लिमिटेशन है? एक लिमिटेशन है ना. आप, मैंने वो डायपर का एग्जांपल दिया था, वो डायपर वाला जो मेरा बच्चा डायपर पहनता था, अब तो बड़ा हो गया नहीं पहनता है, पर उसका एक लिमिटेशन है. रात में दो बार तीन बार तक चलेगा, चौथी बार भी अगर उसने किया तो फिर लीकेज होता है ना साइड से, तो फिर वो रोने लगता है, फिर आपको उसको चेंज करना होता है डायपर को. तो वो लिमिटेशन क्या है कि दैट सिलिका जेल हैज इट्स कैपेसिटी, वो कैपेसिटी से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, उसके बाद वो बहने लग जाएगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा वो. इन दैट केस क्या परिवर्तन हो जाएगा? डेल्टा जी अटेंड्स इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब डेल्टा जी जीरो. इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है डेल्टा जी जीरो. डेल्टा जी जीरो मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस के बराबर. तो लिखें एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव, एंड अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस. अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, और जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा उस टाइम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी बिकम डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, एंड अंडर दिस कंडीशन डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू जीरो. एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेंड. एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेंड, नो मोर एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस. नो मोर एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस. तीन नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में, 3 मार्क्स का. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. अब डायग्राम आप बना लीजिए इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड ऑन अ लेटर स्टेज. जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि क्या हुआ था.
वैसे मैंने पैराग्राफ में तो लिखवा ही दिया है। आप एक और काम करेंगे, ऊपर तीन लेयर बना लीजिएगा, नीचे भी तीन लेयर बना लीजिएगा। रीजन बीइंग कि आप ना फिर ये भी दिखा लीजिएगा कि अंदर वाले जो होते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, बाहर वाला जो होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है या अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाता है। तो तीन लेयर बनाइएगा और उसके बाद एक अंदर का भी दिखा दीजिएगा, एक बाहर का भी दिखा दीजिएगा, ताकि आप समझ सकें जब हम बाद में इसे देख रहे होंगे। होप कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। आप किसी को समझा भी सकते हैं, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म। डन, लिख लिए, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के टाइप आपको देखने, कितने प्रकार के एड्सॉर्प्शन होते हैं। मुख्यतः एड्सॉर्प्शन दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजीजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमीजॉर्प्शन। फिजीजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जहां पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजीजॉर्प्शन बोलते हैं, और जहां पे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन बोलते हैं। राइट, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसके अंदर लिखें एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स when gases behaves as, when gases behaves as adsorbate and solid behaves as adsorbent। तो हम लोग अब स्पेसिफिकली क्या केस पढ़ रहे हैं, हम लोग वो केस पढ़ रहे हैं जहां पे गैस क्या है, गैस इज एक्टिंग एज एन एड्सॉर्बेट, और सॉलिड क्या है, सॉलिड इज एक्टिंग एज एन एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट मतलब जिस पर वो गैस क्या हो रहा होगा, एड्सॉर्ब हो रहा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट। ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला फिजीजॉर्प्शन, पी एच वाई एस आई एस ओ आर पी टी आई ओ एन, फिजीजॉर्प्शन पी एच वाई एस आई एस ओ आर पी टी आई ओ एन, फिजीजॉर्प्शन। फिजीजॉर्प्शन मतलब फिजिकल, फिजिकल वर्ड से ही ना फिजीजॉर्प्शन आया। और दूसरा है क्या, केमीजॉर्प्शन, दोनों का नाम लिख लीजिए, केमीजॉर्प्शन सी एच ई एम आई एस ओ आर पी टी आई ओ एन, केमीजॉर्प्शन। तो नाम खुद ही सुन के आपको बता रहा है, केमीजॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहां पर एड्सॉर्प्शन फेनोमेना में। वेरस फिजीजॉर्प्शन मतलब फिजिकल फेनोमेना हो रहा होगा, यानी कोई गैस सीधे आके किसी चीज में जुट गई विदाउट एनी रिएक्शन, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सिंपली एडिशन हो गया वैसा कुछ। तो अब दोनों का आपने नाम लिख लिया है, तो पहला हेडिंग डालें फिजीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन द एड्सॉर्प्शन इन विच, द एड्सॉर्प्शन इन विच, द एड्सॉर्प्शन इन विच एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस on the surface of solid occur, the adsorption in which accumulation of gas on the surface of solid occurs on account of weak van der Waal forces, the adsorption in which accumulation of gas on the surface of a solid occur on account of weak van der Waal forces is called physical adsorption or physisorption, is called physical adsorption or physisorption, it is also called as van der Waals adsorption, it is also called as van der Waal
एड्सॉर्प्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंडरवॉल एड्सॉर्प्शन. आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था? वुड्स रिएक्शन में क्या रिएक्शन पढ़े थे, कुछ याद है? हाँ, क्या था नेम रिएक्शन में, क्या था? Na प्लस आर आर एक्स ट्वाइस ऑफ Na था. हाँ, फिर ड्राई इथर के प्रेजेंस में फिर क्या हुआ था? तो ये आर हो जा रहा था और साइड में ट्वाइस ऑफ Na(X) मिल रहा था, ऐसे कुछ आपने पढ़ा हुआ है. तो ये वुड्स रिएक्शन थी और फिटिंग रिएक्शन में ये R की जगह पे आप फिनाइल ग्रुप लेते थे और वुड्स फिटिंग में एक R और एक फिनाइल को जोड़ते थे. चलिए, कई सारे आपने रिडक्शन रिएक्शन देखे होंगे मैन्युफैक्चरिंग. ये क्या था? ये प्रोसेस था ऑफ मेकिंग एल्केन. एल्केन बनाने का एक प्रोसेस था. उसी प्रोसेस में आपने वुड्स रिएक्शन देखा, वुड्स फिटिंग देखा, वुड फिटिंग रिएक्शन देखा. वहीं पे कहीं आपने ये भी देखा होगा कि एक रिएक्शन होती है जहां पे आप क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं. रिडक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? H2. और H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? आपने ऐसा लिखा होगा PTPD निकल, याद आ रहा है? कई सारे ऐसी जगह पे आपने PTPD निकल कराया. ये जो PTPD निकल आपने कराया है और H2 गैस के साथ ये रिएक्शन जो हो रही है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसी रिएक्शन में फिजीज ऑप्शन होता है. इसी रिएक्शन में क्या होता है? फिजीज ऑप्शन होता है. अब कैसे फिजीज ऑप्शन होता है वो जरा ध्यान से देखिए. होता क्या है, ये प्लैटिनम का सरफेस है. दिस इज दी सरफेस ऑफ प्लैटिनम. ये प्लैटिनम का सरफेस आपने यू ले लिया. दिस दी सरफेस ऑफ प्लैटिनम. इस प्लैटिनम के सरफेस पर H2 जो है वो ऐसे आके लग जाता है. वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन, वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन. ये फिजीज ऑप्शन फेनोमेना है. फिजीज ऑप्शन में ये एक हाइड्रोजन ऐसा आ गया. अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी. ये बॉन्ड क्या हो गई? टूट गई. ये बॉन्ड टूट गई तो आपके पास H क्या बन गया? फ्री रेडिकल. ये भी H क्या बन गया? फ्री रेडिकल. इस तरफ आपने अगर C डबल बॉन्ड C लिया हुआ है तो ये बॉन्ड भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल होके यहां यहां आ रहा था, इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट. अगर दो डॉट ऐसे मिल गए तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में. और दोनों जगह क्या जुड़ गया? H जुड़ गया. ये जो प्रोसेस, इसलिए H2 गैस का PTPD निकल एज अ सरफेस हमने लिया था. वो क्या हो रहा था? H2 गैस वॉज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, आइदर ऑफ PT और PD और निकल. या तो पैलेडियम का सरफेस था, या प्लैटिनम का सरफेस था, या निकल का. इसके ऊपर H2 गैस फिजीज ऑप्शन के मदद से क्या हो रहा था? अटक जा रहा था. जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन को इसने क्या कर लिया था? एड्सॉर्ब कर लिया था. एक हाइड्रोजन फ्री था. कोई ऐसी साइट मिली जहां पर ये बॉन्ड आसानी से टूट सकते थे, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो गए? टूट गए और यहां पर जाके लग गए. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, यहां पे आपने फिजीज ऑप्शन देखा, जिसमें जो इस पर्टिकुलर पीडी निकल में ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन का इंटरैक्शन है, दिस इंटरैक्शन इज ऑफ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, वेरी वीक. आपको पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक, फिर कोवेलेंट, फिर कोऑर्डिनेट, फिर हाइड्रोजन, फिर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ऐसे हमने पांच प्रकार के. ये सबसे वीक टाइप के इंटरैक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इस टाइप के होते हैं, जहां पर बहुत ही कम फोर्स, वेरी स्मॉल फोर्स इसको क्या करके रख लेता है? होल्ड करके रख लेता है, ताकि इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन संभव हो पाए. तो कई जगह पे आपने ये H2 गैस या Cl2 गैस के साथ आपने ये PTPD निकल ऐसे रिएक्शन देखा हुआ है. जहां जहां पे हमने ये यूज किया है, वहां वहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या फेनोमेना हो रहा है? फिजीज ऑप्शन एज अ फेनोमेना हो रहा है. गॉट इट? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई. इसके नीचे आप लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजीज ऑप्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजीज ऑप्शन. कुछ बहुत ही विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजीज ऑप्शन के. पहला, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, SPECIFICITY. स्पेसिफिसिटी मतलब होता है
कि ये जो सरफेस है ना, ये नहीं चेक कर रहा है कि नहीं एच टू आएगा तभी मैं इसको फंसाऊंगा, सीएल आएगा तो नहीं फंसाऊंगा, स्पेसिफिक नहीं है। वेन एवर अ गैस कम्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, ये बस इतना ही चेक करेगा कि क्या मैं इसे होल्ड कर पा रहा हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ये सरफेस इसको अटका लेगा। इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि मेरे पास एच आ रहा है कि सीएल आ रहा है कि ब्रोमीन आ रहा है कि आयोडीन आ रहा है, इसको इतना स्पेसिफिक नहीं होता है फिजिक्स ऑप्शन। तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट लिखे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट का क्या मतलब होता है, वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाइएबल है, वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाइएबल है। अब ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आपने कहां पढ़ा था, क्लास 11th में, गैसियस स्टेट के बिल्कुल लास्ट पार्ट में, जब हम लोग रियल गैसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने लिक्विफिकेशन वाला एक ग्राफ देखा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान है वहां पे जो ग्राफ था ये जेड इज इक्वल टू 1 था, और इस तरह से जब आपने ग्राफ बनाया था तो वहां पे कुछ गैसेस इस प्रकार से आ रहे थे, कुछ गैसेस ऐसे आए थे, कुछ ऐसे चले गए थे और कुछ इस प्रकार से थे। तो जो गैसेस का z इज लेस देन 1 दिखता है वो क्या होते हैं, इजीली लिक्विफाइएबल गैस होते हैं। तो इजीली लिक्विफाइएबल गैस बड़ी आसानी से फिजिक्स ऑप्शन फेनोमेना दिखाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत इजीली लिक्विफाई होने वाला नहीं है तो वो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना नहीं दिखाएगा। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के अंदर लिख दें, इजीली लिक्विफाइबल गैस आर रेडिली एड्सॉर्ब, इजीली लिक्विफाइबल गैस आर रेडिली एड्सॉर्ब। नेक्स्ट, रिवर्सिबल नेचर, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं दे ऑल आर इजीली एड्सॉर्बेबल रिएक्शन। जहां जहां पे रिवर्सिबिलिटी दिखाई देती है रिएक्शन में, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एड्सॉर्प्शन हो सकता है। और ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस, खास करके जो एक्सोथर्मिक वाले हैं, वो 100% वो वाले रिएक्शन क्या होंगे या वो वाला प्रोसेस क्या होगा, एड्सॉर्प्शन फेनोमेना दिखाएगा। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी देखी जाती है, और जितने भी एड्सॉर्प्शन होंगे वो कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये दो बातें आप वहां पे लिख लें, रिवर्सिबल नेचर के अंदर इट इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये लॉजिक आप खुद भी बता सकते हैं, क्या लॉजिक होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसके एड्सॉर्प्शन ज्यादा होंगी, जिसका सरफेस एरिया कम उसके एड्सॉर्प्शन कम होगी। तो एड्सॉर्बेट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा, सरफेस एरिया अगर कम है तो वो कम एड्सॉर्ब करेगा। तो लिख लें, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। What do you mean by enthalpy of adsorption? Enthalpy of adsorption किसे बोलते हैं? डेल्टा एच। जब कभी भी adsorption phenomena होता है तो adsorbate gets adsorbed on adsorbent। जब कभी भी ये phenomena होगा तो एक exothermic reaction है। One mole of adsorbate when gets adsorbed at पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट, तो वन मोल एड्सॉर्बेंट जब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होता है, उस टाइम जो हीट रिलीज होती है, दैट पर्टिकुलर हीट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक मोल एड्सॉर्बेट, डेफिनेशन लिख लें आप, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एड्सॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन।
फिजीज ऑप्शन के केस में ये एनर्जी बहुत लो होती है, फिजीज ऑप्शन के केस में दिस एनर्जी इज वेरी लो, तो लिख लीजिए इट हैज वेरी लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिजीज ऑप्शन में ये जो एनर्जी होती है वो काफी कम होती है। रीजन क्या रहा होगा इसके कम होने का? बिकॉज कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन से नेचर का बॉन्ड टूटता है? वीक बॉन्ड टूटता है, और वीक बॉन्ड टूटेगा तो जो एनर्जी डिसोसिएट होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। वेर एज जब अगर सॉलिड कोई कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा होगा जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो वहां पे फिर एनर्जी जो रिलीज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो केमिज ऑप्शन में इसकी एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होती है, वेर एज फिजीज ऑप्शन में इसकी एनर्जी रिलीज काफी कम होती है। एंड लास्ट एक्टिवेशन एनर्जी, एंड लास्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो फिजीज ऑप्शन कराने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है? ईए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। याद है ना वो ग्राफ, याद होगा आपको थोड़ा बहुत, तो वो ग्राफ में आपको मैंने बताया होगा कि इस तरह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इनको चाहिए होता है, ये तो आपका डेल्टा एच हो गया, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी कोई खास जरूरत फिजीज ऑप्शन फेनोमेना में नहीं होती, या कोई खास इजाफा इस एनर्जी में फिजीज ऑप्शन फेनोमेना में नहीं देखा जाता है। फिजीज ऑप्शन क्या होता है? फिजीज ऑप्शन फेनोमेना का एक एग्जाम्पल और फिजीज ऑप्शन फेनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? डिफरेंशिएट बिटवीन फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। 5 मार्क्स आया तो कम से कम 7-7 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का आया तो 5-5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट अब आप आसानी से निकाल लोगे, कैसे? 6 या 7 तो आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दी, एक एग्जाम्पल हो गया और एक आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन दोनों साइड लिख देंगे तो 1 पॉइंट, एक एक एग्जाम्पल लिख दिया 2 पॉइंट, 6 प्रॉपर्टी में से कोई 4 भी लिख देंगे तो 2+4 6 पॉइंट हो जाएगा, आप आसानी से 5 नंबर पाने के योग्य बन जाएंगे। तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तब तो इस तरह से आएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तब तो आप लोग ऑलरेडी उसके एक्सपीरियंस है, किस तरह का क्वेश्चन आता है आपको ऑलरेडी पता है। तो केमीज ऑप्शन, अगला हेडिंग डालें केमीज ऑप्शन, अगला लिखें केमीज ऑप्शन, राइट। दी एड्सॉर्प्शन इन विच गैसियस मॉलिक्यूल और एटम, ये केमीज ऑप्शन है, नया हेडिंग डाला है केमीज ऑप्शन, फिजीज ऑप्शन खत्म, केमीज ऑप्शन। द एड्सॉर्प्शन इन विच गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू सॉलिड सरफेस बाई केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमीज ऑप्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमीज ऑप्शन। डन, आगे लिखें इसी में, केमिकल बॉन्ड्स में बी कोवलेंट और आयनिक इन नेचर, केमिकल बॉन्ड्स में बी कोवलेंट और आयनिक इन नेचर। तो दो डिफरेंस तो यही आ गया, एक डेफिनेशन लिख दिया, सेकंड वहां पे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या था? वेंडरवॉल फोर्सेस। यहां नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? आइदर कोवलेंट और आयनिक। तो दो डिफरेंस तो ये हो गए। एक और डिफरेंस आपके एग्जांपल से आ गया, ये एग्जांपल आप यहां लिख लिए, एक एग्जांपल यहां पर लिखिए, ऑक्सीजन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन मेटल to form metal oxide। तो मेटल ऑक्साइड बनाने का जो तरीका होता है उसमें मेटल के ऊपर इसको एड्सॉर्ब कराया जाता है ऑक्सीजन को, जिससे ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हेडिंग डालें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीज ऑप्शन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीज ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट,
हाईली स्पेसिफिक इसलिए है, हर मेटल पे हर ऑक्सीजन आके बॉन्ड नहीं बना सकता है, उसका एक कंडीशन है। मेटल की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, जब दोनों की वैलेंसीज मैच हो जाएंगी तभी जाके उसके ऊपर बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल है, कोई भी ऑक्सीजन आ गया, कोई भी गैस आ गया, उसके ऊपर आके मेटल। काफी स्पेसिफिक है वो, स्पेसिफिसिटी यू हैव टू चेक, तो काफी स्पेसिफिक होता है। सेकेंड पॉइंट, इरिवर्सिबिलिटी, वो क्या था, रिवर्सिबल नेचर का था, ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है इसकी, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इरिवर्सिबिलिटी है मतलब यहां के जो रिएक्शन होते हैं, चूंकि केमिकल बॉन्ड के टूटने का यहां पे है इन्वॉल्व है, तो चूंकि केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, तो केमिकल बॉन्ड टूटेगा तो फिर नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। वंस नया बॉन्ड इज फॉर्म्ड, फिर वापस से आप उतनी एनर्जी देंगे भी तो भी वो वापस से ओरिजिनल कंपाउंड बन जाए इसकी संभावना नहीं है। तो यहां पे इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा अच्छे से देखा जा सकता है। नेचर ऑफ बॉन्ड यहां पे क्या होगा, वहां पे क्या था, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, यहां पे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट क्या है, वहां पे था वेंडरवॉल फोर्सेस और लिक्विफाइबल गैस, यहां पर ऑल दी गैसेस और बॉन्ड कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। सरफेस एरिया, यहां का भी सरफेस एरिया के साथ सेम रिलेशनशिप है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो केमिकल्स केमीज ऑप्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। केमीज ऑप्शन हो कि फिजीज ऑप्शन हो, दोनों में सरफेस एरिया से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन ही बढ़ जाता है, फिजीज ऑप्शन हो कि केमीज ऑप्शन छोड़ दीजिए, एड्सॉर्प्शन ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहां पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है। रीजन, यहां पे एक मोल सब्सटेंस तोड़ने में एक्चुअल बॉन्ड टूट रहा है या वीक बॉन्ड टूट रहा है, एक्चुअल बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड का नेचर क्या है, इधर कोवेलेंट और आयनिक। जब कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मैंने वैल्यूज नहीं लिखवाए थे, फिजीज ऑप्शन में जहां पे वो वाला पॉइंट आपने लिखा था ना, वहां लिख दीजिए 20-40 किलो जूल। जब फिजीज ऑप्शन में जहां पे आपने एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ है तो वैल्यू लो लिखवाई थी, रेंज लिख दीजिए 20-40 किलो जूल पर मोल, 20-40 किलो जूल पर मोल। यहां पे लिखिए 80-240 किलो जूल पर मोल, 80-240 किलो जूल पर मोल, डन। एंड द लास्ट पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हियर एप्रिसिएबल एनर्जी इज, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, डन। इस हिसाब से आपका केमीज ऑप्शन और फिजीज ऑप्शन फेनोमेना जो है वो खत्म हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, घर से उसका आंसर करके आइएगा, राइट ए क्वेश्चन, राइट 8 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन फेनोमेना, फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन फेनोमेना, 8 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन फेनोमेना। डन। फैक्टर अफेक्टिंग, नया हेडिंग डाले, फैक्टर अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, फैक्टर अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, फैक्टर अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। मेरे ख्याल से केमीज ऑप्शन जो हमने पढ़ा है या फिजीज ऑप्शन जो पढ़ा है उसी को फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि वही सारे फैक्टर आएंगे, एड्सॉर्बेंट का नेचर क्या होगा, एड्सॉर्बेट का नेचर क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगी, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, प्रेशर का क्या रिलेशन है, एंड सो ऑन। लिखिए, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। पॉइंट नंबर वन, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट,
नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब देखिए एड्सॉर्बेंट किसको बोलेंगे, एच टू इज वॉट, एच टू इज एड्सॉर्बेट, दिस पीटीपीडी निकल इज वॉट एड्सॉर्बेंट। एच टू पीटीपीडी निकल पे तो बड़ी आसानी से वो दिखाता है एड्सॉर्प्शन, पर अगर एच टू के साथ आप एल्यूमिनियम का सरफेस दे दें तो ये एड्सॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट भी बहुत जरूरी है कि आप किस एड्सॉर्बेंट को किस एड्सॉर्बेंट के ऊपर डाल रहे हैं, तो इसलिए नेचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक एग्जांपल आप लिख लें, एच टू इज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड एट निकल सरफेस, एच टू इज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड एट निकल सरफेस बट इट इज वीकली एब्सॉर्ब्ड, इट इज वीकली एड्सॉर्ब्ड एट एल्यूमिनियम सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, वीकली एड्सॉर्ब्ड ऑन एल्यूमिनियम सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इवन इफ द कंडीशन इज आइडेंटिकल, पर आप H2 को चाहेंगे अगर एल्यूमिनियम पे एड्सॉर्ब कराना तो वो एड्सॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज एड्सॉर्बेंट की भी अपनी एक पसंद है, मैं किसको पसंद करूं, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार नहीं है, है ना। जैसा आप लोग के साथ भी होता है, चॉइस चेक कर देना किसी के साथ भी थोड़े। नेचर ऑफ गैस, पढ़ने में अच्छी होनी चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए, नोट्स अच्छे से लिख दे, अगर असाइनमेंट लिखवाना हो तो पूरा कंप्लीट कर दे। नहीं अंजलि, नहीं अंजलि वो पिक्चर नहीं है, उसके अंदर देखा होगा आपने, अंजलि नाम की लड़की रहती है, वो नोट्स और लिखती है। कबीर सिंह, दैट पिक्चर वाज व्हाट, कबीर सिंह, कबीर सिंह दूसरा, उसमें तो प्रीति रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सो पूरा आप मेडिकल एस्पिरेंट है, नहीं फिर भी आपने देख रखा कबीर सिंह, सही है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि मोर लिक्विफाइबल जो गैस होता है वो फिजी एड्सॉर्प्शन आसानी से करता है, वेयर एज जो कम लिक्विफाइबल गैस है वो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना में थोड़ा दिक्कत होगा। तो लिखें, इन जनरल मोर लिक्विफाइबल अ गैस इज मोर रेडिली इट विल एड्सॉर्ब, इन जनरल मोर लिक्विफाइबल अ गैस इज मोर इजिली और रेडिली इट गेट्स एड्सॉर्ब्ड, इट गेट्स एड्सॉर्ब्ड। एग्जाम्पल NH3, एग्जाम्पल NH3, HCl, Cl2, SO2, CO2 etc., CO2 etc. Whereas few permanent gases, whereas few permanent gases also shows high level of adsorption, such as O2, N2, H2, etc. O2, N2, H2, etc. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, तो दो पॉइंट आपने लिख लिया, पहला पॉइंट था नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट, दूसरा पॉइंट था नेचर ऑफ गैस। अभी थर्ड पॉइंट लिखिए, सरफेस एरिया, राइट दी थर्ड पॉइंट एज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो या केमिक्स ऑप्शन हो, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बढ़ना ही बढ़ना है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट increases the amount of gas adsorbed, increases the amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent. डन। फोर्थ पॉइंट लिखें टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट लिखें टेम्परेचर, राइट।
एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एडसॉर्प्शन चूंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब आप किसी सिस्टम का हीट बढ़ाते हैं तो दी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। इक्विलिब्रियम चैप्टर में अकॉर्डिंग टू ली सेतालियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जब आप टेम्परेचर को हेरफेर करते हैं या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बदलते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करती है और एक नई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है। तो अकॉर्डिंग टू ली सेतालियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी आप एक एडसॉर्प्शन फेनोमेना जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन फेनोमेना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। लेकिन अपवाद है केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड अब ज्यादा टूटेंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड चूंकि ज्यादा टूटेंगे तो एडसॉर्प्शन होने का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिजिसॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन घटेगा, वेयर एज केमिसॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका एडसॉर्प्शन फेनोमेना है वो भी बढ़ जाता है। तो लिखना है इसी बात को, एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, टेकिंग प्लेस विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। देयरफॉर इन अकॉर्डेंस टू ली सेतालियर प्रिंसिपल, देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विथ ली सेतालियर प्रिंसिपल, कुछ लोग चटालियर भी बोलते हैं, तो ली सेतालियर प्रिंसिपल CHATELIER, ली चटालियर प्रिंसिपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन शुड इंक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर, विथ फॉल इन टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन शुड इंक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर घटेगा तो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना ज्यादा होगा, पर ये फिजिक्स ऑप्शन में ही संभव है, केमिस्ट्री ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्ट लिखें, एक्सेप्ट इन केमिस्ट्री ऑप्शन, एक्सेप्ट इन केमिस्ट्री ऑप्शन वेयर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस दी एड्सॉर्प्शन फेनोमेना, वेयर इन केमिस्ट्री ऑप्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस दी एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस, इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो इनिशियली वो बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्या आ जाता होगा, इक्विलिब्रियम आ जाता होगा। वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड उसका जब आप फर्दर इसको बढ़ाएंगे भी तो भी आपको कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं और एड्सॉर्प्शन फेनोमेना नहीं हो पाएगा। शायद चार पॉइंट हो गया होगा, पांचवा पॉइंट लिखे, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट गैस, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट गैस। प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रेशर आप बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बढ़ेगा। क्यों, प्रेशर अगर आप गैस की बढ़ा रहे हैं तो यहां पर इसके लगने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। क्यों, प्रेशर मींस फोर्स, फोर्स मींस किस फोर्स से आके इससे अट्रैक्ट हो रहा है, जिस फोर्स से आके इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा वो बढ़ जाएगा तो ये एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा मतलब एड्सॉर्प्शन फेनोमेना भी बढ़ जाएगा। तो लिखें, सिंस एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस लीड्स टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर, देयरफॉर इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन, इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन, देयरफॉर इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ डिक्रीज, नहीं सबसे पहले लाइन में मैंने लिखवाया है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर। एड्सॉर्प्शन जब हो जाता है तब प्रेशर डिक्रीज करता है, पर अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बढ़ता है, यह मैं कह रहा हूं। लास्ट, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट,
एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब देखिए ये जो हमारा एड्सॉर्बेंट है, ये जो हमारा सरफेस है, आपने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ये एक चीज है। मैं कह रहा कि अगर मैं उसके सरफेस को रफ कर दूं, एक प्लेन सरफेस है, ग्लास पे किसी गैस को एड्सॉर्ब कराना जगह ही नहीं होगी बीच बीच में, पर अगर एक रफ सरफेस है वहां पे एड्सॉर्ब कराना, ऑब्वियसली रफ सरफेस से एड्सॉर्प्शन ज्यादा फास्टर होगा देन प्लेन सरफेस। तो एक्टिवेट करना पड़ता है कई बार एड्सॉर्बेंट को, एड्सॉर्बेंट मतलब सरफेस को कई बार एक्टिवेट करना पड़ता है इन ऑर्डर कि वहां पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा हो। स्पंज में एड्सॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि वहां के जो सरफेस है वो रफ होते हैं और काफी सारे गैप्स प्रेजेंट है उसके अंदर। कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि एक्टिवेट करने के क्रम में आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ना पड़ता है, यह भी हमने पढ़ा हुआ है। कई बार कॉपर का सॉलिड लें और कॉपर के पाउडर लें तो पाउडर विल हैव मोर एड्सॉर्प्शन बिकॉज सरफेस एरिया उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कई बार हम एक्टिवेट करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, कई बार पाउडर बना लेते हैं, कई बार रफ कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब होता है कि आपने सरफेस के साथ कुछ ऐसा फिजिकल फेनोमेना किया जिससे आपने उस प्रोसेस को, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को क्या कर लिया, एनहांस कर लिया। तो लिखें एक्टिवेशन ऑफ एन एड्सॉर्बेंट रेफर्स टू increasing the adsorbing capacity of adsorbent through different methods. For example, point number one, making the surface rough. आपने सरफेस को क्या कर दिया, रफ कर दिया। ज्यादा रफ हो जाएगा तो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना भी स्पीड हो जाएगा। सेकेंड, breaking the surface into small pieces in order to what? Increase the surface area. Third, converting solids into powdered form. तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और तब मैं एक बात आपको बोलता हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने कई सारे ऐसे रिएक्शन पढ़े होंगे जहां पे आपने एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया होगा। What do you mean by एक्टिवेटेड चारकोल? चारकोल को आपने पाउडर फॉर्म में लिया या छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में लिया, तो आपने चारकोल के सरफेस एरिया को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो वर्ड है वो एक्टिवेशन यहीं से आया है। गॉट इट? लास्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करते हुए ये पूरा हेडिंग ही समाप्त कर लेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहला, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। आपने क्या लिया, कार्बन के पार्टिकल्स लिए। कार्बन के पार्टिकल्स एयर को बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज कार्बन मतलब C+O2 कैन कन्वर्ट इनटू CO2। तो अगर कहीं पे गैसेस मॉलिक्यूल है और आपने वहां पे चारकोल डाल दिया तो वो चारकोल उस एयर को वहां से क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। तो एयर जहां पे प्रेजेंट था वहां से खत्म हो गया और वो वैक्यूम बनाने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो जब वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं तो आप सक्शन पंप लगाते हैं। सक्शन पंप लगा के आप कितना प्रेशर में उसको डाल सकते हैं, लो प्रेशर ले जाएंगे पर उस हद के लिए आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो कई बार हम लोग इस प्रोसेस का भी यूज करते हैं जहां पर आप चारकोल को डाल के वहां के एयर को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। सेकेंड, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब कैटालिसिस का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट डाल के आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है,
रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। खास करके जब वी यूज वर्ड कैटलिस्ट, इट इज ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट एनहांसिंग। मैंने ही आपसे कहा होगा कि कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन्स के नाम से जानते हैं, तो नेगेटिव कैटलिस्ट कैटलिस्ट अगर बोल रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिव को ही ज्यादा इंडिकेट करता है, नेगेटिव के लिए अलग नाम है। तो पॉजिटिव कैटालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पर आप कैटलिस्ट डाल के उसके रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्यों? मान लीजिए कुछ चीजें आपको वहां पे बॉन्ड तोड़नी है। अब जैसे यही वाला एक रिएक्शन है, यहां पे पीटीपीटी निकलने क्या किया, कैटालिसिस ही तो किया है। क्यों? इसने इसके बॉन्ड को बड़ी आसानी से तोड़ा। आप इसके बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकते थे, एक बाय गिविंग एनर्जी और दूसरा बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ी। तो यहां पर जो आपने ये पीटीपीटी निकल एज अ सरफेस यूज किया H2 के लिए, ये भी क्या है, एक तरह का कैटालिसिस है, जहां पे आपने कैटलिस्ट का इसमें प्रयोग किया। इससे इसके सरफेस पर क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये तो पीटीपीटी निकल जैसा था पहले वैसे ही बाद में रह गया। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसी को आप क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस भी एक प्रोसेस है जो आप यहां पर यूज करते हैं। सेकेंड रादर थर्ड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ FROTH, फ्रोथ फ्लोटेशन FLOATATION, फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मेटलर्जी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और एल्स आपको मेटलर्जी में यह पढ़ाया जाता है व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बोनेट ओर, एक होता है सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को अलग करने के लिए देर आर वेरियस अदर मेथड्स, बट जो सल्फाइड ओर होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस से लेके जाना पड़ता है। फ्रोथ मतलब होता है झाग। आप जब सर्फ पानी में डालते हैं और उसको अगर एक दो बार ऐसे शेक करेंगे तो वो जो झाग बनता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रोथ। उसी को आप क्या बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं। होता क्या है, ये पर्टिकुलर जो मेथड है, सिलिका नाम का एक चीज हम डालते हैं किसके अंदर, वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो अगर आप मेटलर्जी आप लोग के इस बार होता कोर्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ाता मैं इस चीज को। होता क्या है, ये आपने क्या ले लिया, इसके अंदर पाइन ऑयल लेते हैं, पाइन ऑयल के साथ साथ आपने लिया सिलिका और इसमें आपने डाल दिया ओर। ओर क्या करता है, ये सिलिका जो है ना, इसका जिस भी ओर को आपने लिया उसमें से सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ऊपर क्या बना लेता है, झाग बना लेता है। क्या बना लेता है, झाग बना लेता है। और इसके साथ वाला जो मेटल था वो आके कहां जमा हो जाता है, बेस में जमा हो जाता है। वो कहां जमा हो जाता है, बेस में। और ये पाइन ऑयल क्या करता है, इस झाग को और इस पानी को डिफरेंशिएटर का काम करता है। आपको पता है ऑयल एंड पानी कैन नॉट बी मिक्स्ड, तो ऊपर क्या रह गया, झाग, झाग के नीचे क्या, तेल, और तेल के नीचे क्या रह जाएगा, पानी। अब जब आप ऊपर से इस झाग को यहां से निकालोगे तब तक आप निकालते रहोगे जब तक वो तेल वाला लेयर आपको ना दिख जाए। तो ऊपर क्या चला गया, सल्फाइड विद सिलिका बाहर निकल गया, और आपके पास कंटेनर में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ मेटल। यही तो सेपरेशन करते हैं ना, मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल को ओर से अलग करना है। तो यहां पर सिलिका डालकर आपने सल्फाइड को क्या कर लिया, तो सिलिका पे ये जो सल्फाइड है वो क्या हो रहा होगा, एडजॉर्ब हो जा रहा होगा, और उसको आपने वहां से क्या कर लिया, हटा लिया। दिस प्रोसेस को हम लोग, ये एडजॉर्प्शन का एक क्या है, एप्लीकेशन है, एडजॉर्प्शन फेनोमेना का एक एप्लीकेशन है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी यूज में आता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। आपने कई बार जूता खरीदा होगा, मैंने एग्जांपल आपसे पहले भी दिया होगा, जूता अगर कभी आप लेदर का खरीदते हैं, यू फाइंड अ स्मॉल पैकेट, उसके अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल हैज द टेंडेंसी टू एड्सॉर्ब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। वो अगर मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करेगा तो आपके अंदर का जो जूता है जो कि लेदर से बना हुआ है वो क्या करेगा, उसको आसानी से एड्सॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही उसने एड्सॉर्ब किया, आपका ये एक और एप्लीकेशन तैयार हो गया, दैट इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को इसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। आप कलरिंग मैटर ऑफ सॉल्यूशन को वहां से रिमूव कर सकते हैं। कैसे, आपने किसी एक फिजिकल प्रोसेस में कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो कलरिंग मैटर को क्या कर लिया,
एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपके रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक आपके काम की चीजें हैं और दूसरा जो है वो कलर है। अब कलर को अगर मैं उसे वहां से अलग करना है तो आपने कोई एक ऐसा सामान डाल दिया जो कलर को क्या कर ले, एड्सॉर्ब कर ले। तो ये भी एक प्रोसेस है जहां पे आप एड्सॉर्प्शन करा सकते हैं। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। वापस से चारकोल क्या होता है, चारकोल भी एक ऐसा चीज है जो कुछ गैसेस को क्या कर लेता है, आसानी से एड्सॉर्ब कर लेता है। अब दो गैसेस हैं, उसमें से एक को अगर चारकोल एड्सॉर्ब कर पा रहा है और दूसरे को नहीं कर पा रहा है तो वहां पे भी आपका एड्सॉर्प्शन फेनोमेना काम आता है। दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ सेपरेशन बाय द हेल्प ऑफ सेपरेशन बाय द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट, इन क्योरिंग सम ऑफ द डिजीज, इन क्योरिंग सम ऑफ द डिजीज, खास करके आपने देखा होगा जो सुखाने वाला पाउडर होता है, घाव जब हो जाता है तो आप एक पाउडर छिड़कते हैं, व्हाट इज दैट, कोई भी खास करके ना जब ऑपरेशन वगैरह होता है, कट मार्क लग जाता है वहां पे एक पाउडर छिड़कते हैं। व्हाट दैट पाउडर डज इज, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो तो उसको अंदर से हील कर रहा होगा, पर पाउडर क्या करता है, जो सरफेस पे फंगस या बैक्टीरिया लगा हुआ है उसको वहां से क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसको वो वहां से हटा देता है। तो समटाइम्स कुछ ऐसे कट मार्क हो गया या ब्लड निकल रहा है या वहां पे जहां पे ज्यादा मॉइस्चर होता है वहीं पे बैक्टीरिया फंगस के डेवलप होने के चांसेस बनते हैं। तो आप अगर उसके ऊपर ऐसा कुछ डाल दें कि वो फंगस और बैक्टीरिया को एड्सॉर्ब कर ले वो पर्टिकुलर पाउडर, तो वो भी आपको क्योर करने के काम में आ जाता है। तो समटाइम्स इट हेल्पिंग क्योरिंग ऑल्सो। एंड लास्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है आपको पता है, द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नेशियम का कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स से जो पानी बनता है, यानी वो अगर किसी भी पानी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। हम कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें आप अगर आप डिटर्जेंट डालेंगे तो वहां झाग बनेगा, पर हार्ड वाटर में झाग नहीं बनता है। तो झाग अगर नहीं बन रहा है तो वो हमारे लिए फिट टू ड्रिंकिंग नहीं है, हम उसे नहीं पी सकते। सॉफ्ट वाटर वी कैन ड्रिंक। तो हार्ड वाटर को एड्सॉर्प्शन फेनोमेना से आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आपने क्या डाला, एक ऐसा एड्सॉर्बेंट डाला जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। और एड्सॉर्ब करके अगर वो बाहर निकल गया तो फिर आपका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट अगर निकल गया तो फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन से अगर आप बाहर कर लिए तो वहां से ये दोनों चारों चीजें निकल गई, कैल्शियम भी हट गया, मैग्नीशियम भी हट गया, कार्बोनेट भी हट गया और बाइकार्बोनेट भी हट गया। ये चारों आयन अगर उसमें से निकल गए तो आपका पानी पीने योग्य बन गया। तो ये भी चारकोल रहता है क्योंकि उसका काम है एड्सॉर्प्शन करने का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो कुल मिला के आपने पूरा एप्लीकेशन भी समझ लिया। एक बार मैं एड्सॉर्प्शन में अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, सो दैट कि आपको एड्सॉर्प्शन फेनोमेना का एक बार ध्यान हो जाए। हमें एड्सॉर्प्शन पढ़ना है, इसके बाद कोलाइड्स पढ़ना है, कैटेलाइसिस आपको नहीं पढ़ना है। कैटेलाइसिस इज अ फेनोमेना ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे काम करता है अगर याद दिलाइएगा तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया अगले क्लास में दे दूंगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन इज अ फेनोमेना जहां पर आप सरफेस की मदद से कोई एक रिएक्शन होती है। वैसे पूरी डिटेल में हम लोगों ने वो सरफेस फेनोमेना को समझा है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ लिया। कई सारे हमने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़े, जैसे एड्सॉर्बेट किसे कहते हैं, एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लिया। देन आज की क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा जिसके अंदर में डेल्टा एच और डेल्टा एस के रिलेशनशिप से आपने डेल्टा जी नेगेटिव कब कब होगा ये बात भी आपको समझ में आ गया। देन टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के अंदर आपने दो केसेस पढ़े, फिजीज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। फिजीज ऑप्शन मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमीज ऑप्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिर उसके अंदर आपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होता है, रिवर्सिबल है नहीं है, एक्सोथर्मिक है नहीं है, सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशन है, एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। सिमिलरली आपने केमीज ऑप्शन में भी यही सारे पॉइंट्स को देखा। फिर फैक्टर क्या क्या एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं, यानी क्या क्या फैक्टर्स डोमिनेंट करते हैं, उसके अंदर शायद 6 या 7 फैक्टर्स आपने पढ़े। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होता है,
नेचर ऑफ गैस क्या है, सरफेस एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है और एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद आपने उसका एप्लीकेशन पढ़ा। एप्लीकेशन के अंदर मैंने 10 एक पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं। अगली क्लास में वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कोलाइड्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।